पहले 6 गियर होते, 6 चौथे गियर में 200 पार। हियर यू गो, पहले से ही खड़ा है भाई अपना। कर लें कॉल वॉल, कौन कौन आ रहा है। जब से बाइक ली है ना सुरेना, तो मेरे लिए बस क्या ही बोलूँ मैं, खुशी का आंसू भी मिल जाए तो यौन भी चलाएंगे प्यार प्यार से एकदम स्लोली स्लोली। अभी क्लच दबाया तो आपको आवाज़, सिंगल सिलेंडर है बट बहुत अच्छा साउंड देती है भाई। 310 मतलब ऑलमोस्ट जंगल के अंदर जा रहे हैं। बस सही है भाई, सीन हो जाएगा कुछ तो बढ़िया ही हो जाएगा। बिजी इसके पैर में लगी और वो थोड़ी सी ना उछल गई। कुणाल ओके, तो दो फ्यूल कैप दे रखी है। अच्छा भाई, मतलब पे मीटर में सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सारी होगी ना। अच्छा अपराइट इतने ही आते हैं ओरिजिनल। बाकी सिस्टम कुछ अच्छा खासा तगड़ा। व्यू मैन, व्यू देखो बहुत बढ़िया सीन हो रखा है। क्योंकि मैं जब मैं चला रहा था ना बाइक, अब टायर पे बबल, नया टायर साइड पड़वा रखे हैं। अब जब पंचर भी इस समय होना था। अब हाँ बहुत तेज निकल रही भाई, हवा ऐसे निकल रही है बहुत। सो भाई पहले तो यहीं से खिसका के जानी है। पहले ऐसे ही लेके जाएंगे बाहर, स्टार्ट करेंगे बाइक को, क्योंकि किसी की नींद नहीं खराब करनी वरना कंप्लेन होगी और क्या है। और कंप्लेन किससे होगी भाई, होम मिनिस्टर से, मेरी मम्मी से। तो उससे अच्छा है कि निकाल के लेके जाओ ऐसे चुपचाप चुपचाप, और फिर स्टार्ट करेंगे बाहर जाके। चलो जी स्टार्ट करें इसे। लास्ट पावर माइलेज दिख रहा है 13.6। फ्यूल अब भी इसमें करवाना है। ओए होए बहुत लाउड साउंड है यार, बड़ा गेट डाल दो, बहुत लाउड साउंड है। आंटी पहले ही घूम गई, क्या आ रहा है भाई। बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ यार विदाउट टीवी कलर, और बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बाइक बहुत ही ज़्यादा लाउड हो रही है। बट एक दो दिन चलाओ आप विदाउट टीवी कलर तो आपको लगेगा अरे यार नॉर्मल है यार, इतना तो होता है। पर लिटरली दूसरों के लिए नहीं होता है कि वो बहुत ही कम बाइक्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा लाउड जो होती हैं। अब निकल रहे हैं यार, देखते हैं। गौरांग भाई का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाई रास्ते में हूँ भाई। ठीक ओहो गौरांग का फोन आ रहा है, सारा वेट कर रहा होगा वहाँ पे हमारा कि कब आओगे भाई। इसका घर ना बीच में पड़ जाता है, जहाँ पे हम जाते हैं उधर के बीच में ही घर है इसका, हाईवे ऑन हाईवे। और भाई इसको तो प्रॉफिट है भाई, ऑन हाईवे है, शहर वहर निकलना नहीं पड़ता गलियों से, तो ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए। हाँ जी कितनी भाग जाती है, और भगाने को तो यार 250 भी भगा सकते हो। चली जाएगी 250 भी भगा सकते हो। पहले गियर में 110 जाती है, तो आप सोच लो तीसरे गियर में क्या होता होगा। छह गियर होते चौथे गियर में 200 पार। सो भाई हियर यू गो, पहले से ही खड़ा है भाई अपना। हाँ भाई क्या हाल चाल। सो भाई पहुंच गए फाइनली, अब निकलेंगे आगे, थोड़ा कर लें कॉल वॉल, कौन कौन आ रहा है, कौन उठ गया। आ रहे हैं सारे, चलो आने दो यार, यहीं आ रहे हैं क्या। चलो चलो पटाखे।
चलो भाई आगे चलते हैं। ट्वेंटी क्रॉस कर दिया मैंने एवरेज। ओहो भाई 20 का माइलेज। बस चलाओ भाई 60 पे चलाओ, छठा गियर डालो 60 पे चलाओ, क्रूज मारो बस सीधी रोड पे। और माइलेज ही माइलेज, माइलेज ही माइलेज, पैसा ही पैसा बचेगा भाई। मेरा तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ 11-12 का माइलेज देती है 100 रुपये के तेल पे। तो आप खुद सोचो अगर मेरे को 20-21 भी मिल जाए तो यार मेरे तो 100-100 रुपये बच रहे हैं भाई। हम तो ऐसे ही चलाने वाले हैं, अब हम चलाएंगे प्यार प्यार से एकदम स्लोली स्लोली स्लोली। सो भाई फ्यूलिंग के लिए रुके हैं, वो दोनों फ्यूल करवा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो कि बहुत ही क्रूज में जाके मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट 27-28 किलोमीटर चल चुके हैं, वो अभी मैं रीडिंग देख के बता दूंगा। और अभी का एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 24 का भाई। छठा गियर 60 की स्पीड पे, सिक्स्थ गियर 60 की स्पीड पे मैंने फुल सिस्टम एरो लगा रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इतनी स्पीड में मतलब नॉर्मली इकोनॉमी स्पीड कह सकते हो इसे कि बहुत क्रूज करते हुए आ रहे हैं। एरो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तब भी देखो 24 ऑलमोस्ट 24 से ऊपर भी चला गया हूँ मैं। 24 का माइलेज मैं इस बाइक से निकाल ले रहा हूँ और ये पहली बार हुआ है बाइक लेने के बाद मेरा कि मैं इतनी स्पीड में चला के एक माइलेज लेके आया हूँ। नहीं तो भाई लिटरली 11 12 13 14 ऐसी डिजिट है ना जो घूमती रहती थी बस हमेशा, और इतना माइलेज दे दिया। और देख सकते हो कि विदाउट डीबी क्लियर है अभी इस समय बाइक, और भाई स्टॉक है मगर कभी चेंज होगा, आगे जाके चेंज होगा, मज़े ले रहे हैं भाई। मैं क्लच दबा के आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ। देखो भाई अब देख रहे हो हाई बेसी साउंड, अपनी आवाज़ यार अपना डीबी निकाल के तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है भाई, खा जाती है भाई 3-4 बाइकों की आवाज़ है। अभी क्लच दबाया तो आपको आवाज़ सुनाई दी होगी उसकी बाइक की भी, आगे तो आपको सुनाएंगे यार जब खड़ी हो जाएगी योशिमुरा की। सूदिंग साउंड भाई काफ़ी सूदिंग है यार, एक तो इन्हें फुल सिस्टम, इसने भी फुल सिस्टम करवा रखा है। ऑल दो भाई सिंगल सिलेंडर है बट बहुत अच्छा साउंड देती है भाई 310 RR। तो लोकेशन चेक करो यार, पूरे डेंस एरिया के अंदर जा रहे हैं हम अभी, मतलब ऑलमोस्ट जंगल के अंदर जा रहे हैं, काफ़ी डेंस होने वाला है। और कहते हैं भाई टाइगर वाइगर बहुत ईजिली यहाँ पे आ जाते हैं बाहर, क्योंकि तो जंगल बिल्कुल ही अंदर है कोटा वगैरह, जंगल के बिल्कुल मिड में मान के चलो आप। बस सही है भाई, सीन हो जाएगा कुछ तो बढ़िया ही हो जाएगा। पर देखने का ही सीन होना चाहिए और कुछ नहीं। लकड़ी थी तेरे को लगा सांप आ गया। गाइस अभी बस लकड़ी थी लंबी सी, इसके पैर पे लगी और वो थोड़ी सी ना उछल गई, तो भाई इसके जब पैर पे लगी तो इसको लगा अभी सांप आ गया। मैं पीछे चल रहा था, मैंने इसका क्लियर कर दिया भाई, मैं सांप वाप कुछ नहीं था, जिंदा मर गया आराम से चला। जस्ट मेरे लेफ्ट में व्यू आ रहा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड वाला, भाई क्या लग रहा है। जस्ट अभी दिखाता हूँ। ओए होए कुनाल, अरे क्या हो गया भाई, खा को रह गए हो आप। ये वाली कौन सी हार्ले, नाम क्या है इसका? ओके तो दो फ्यूल कैप दे रखी है, एक बस डमी है। अच्छा वो डमी है, ओके हाँ हाँ। सो भाई साउंड चेक कर, ओ सूदिंग। तो आप देख सकते हो भाई बाइक का साउंड, हल्के से रेव दे के देखेंगे बाइक को,
नीचे को देखो, पत्थर तो ऐसे हिल रहे हैं। सूदिंग साउंड है काफ़ी। मीटर आपको देख सकते हो कि यहाँ पे मीटर में सारी इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कितने ज़्यादा भैया टॉप किया भगाया आपने अभी तक? 170 ऐसे आराम से क्रूज मार लेती होगी ना। अच्छा है भाई, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है ना, फ्लोडेड सिस्टम एकदम, रॉकेट चला रहे हैं, वो भी अच्छा वाला जो बंद के चलेगा एकदम रोड पे। सेक्सी बाइक है यार, काफ़ी सेक्सी बाइक है, बहुत सुंदर लग रही है। और भैया बैठ के देख लो एक बार। तो भाई आप देख सकते हो, ओ बहुत लो है ये तो भैया। नहीं नहीं भाई, बहुत लो है ये तो भाई, सीरियसली मतलब क्या लुक आ रहा है यार। ओ भाई ये तो गोस्ट राइडर वाला फील आ रहा है मेरे को सीरियसली। अपराइट हेलेंडेल इतने अपराइट हैं, अपराइट इतने ही आते हैं, नहीं काफ़ी हैं फिर भी सीरियसली यार। ये डमी है, एक फ्यूल कैप है ओरिजिनल, बाकी सिस्टम कुछ अच्छा खासा तगड़ा लग रहा है। और लुक वाइज और वेट रेशियो मतलब ठीक है, ऊपर से 1800 cc यार, 1800 cc बाइक पे पहली बार बैठ रहा हूँ मैं भाई। कहाँ यार 1800 cc तो बहुत हो गया यार। सो भाई 1800 cc की बाइक भाई, चेक इट आउट क्या लग रही है यार। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही है भाई, जो पोस्चर है। सो भाई 1800 cc बाइक हार्ले की पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। ये 114 इसका लाइक मॉडल नंबर होगा मे बी, हार्ले डेविडसन 114। हाँ 114 क्यूबिक इंच, क्यूबिक इंच, ओके 114 क्यूबिक इंच। और इंजन इतना बड़ा है ना भाई, आगे से पीछे तो मैंने चौड़े देखे हैं इधर से इधर, बट ऐसा लंबा नहीं देखा कि मतलब इतना पीछे तक है, सीट तक जा रहा है भैया की। अब भैया अब इसे स्टार्ट करो, आप बैठो यार। अब देखो यार इसके मजे भाई, लुक देखो, पोस्चर देखो यार, सिंगल सीट क्या लग रही है कसम से, बहुत सेक्सी। ओ सुपर भैया, रेव देना रेव थोड़ा। ओ भाई सेक्सी 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 सिस्टम, सिस्टम बड़ा हैवी हो रखा है यहाँ पे तो। सो गाइस फाइनली हम वाली लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे ब्रिज पार करना है। और देखो भाई लोकेशन, रिवर बह रही है भाई साइड में, ब्यूटीफुल यार व्यू, मैन व्यू देखो, ओहो सेक्सी, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है भाई। बहुत बढ़िया सीन हो रखा है। जस्ट अभी अपनी बैटरी चेंज करी है, बैटरी लो हो गई थी यार, बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई थी, पता नहीं लगा। तो अभी सब बाइक्स चली गई हैं वहाँ पे, अभी वहीं पे जाने हैं हम भी। और बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, अब व्यू देखो यहाँ पे, और डॉगी ओए। सो देख सकते हो आपकी रिवर, रिवर साइड कैसी लग रही है, एकदम क्यूट। ऊपर से ये मेरे पीछे पड़ गया है, बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, बाकी गोरांग वहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहा है अपना। और आप लोकेशन चेकआउट करो, क्या हुआ, अभी दूंगा, अभी नहीं है मेरे पे, नो 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 नो। ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ सो वही है ना, डॉग्स ओनर जो होते हैं ना, उनको दूसरे डॉग एकदम से, पता नहीं मेरे को क्या लगता है कि पता नहीं स्मेल्स आ जाती है उन्हें या फिर क्या रहता है, बट ये है कि पहचान जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो भी बात सही है यार। ऑल दो सब बढ़िया, सब सेट। सो भाई बाइक्स देखो आप, बाइक्स देख सकते हो यहाँ पे, ये सबका लाइनअप लग चुका है। और बाइक सबकी ट्राइम खड़ी हुई है यहाँ पे, ड्यूक खड़ी है, 1800 cc बोलूँगा मैं तो भाई से हार्डले बार बार, बाकी अपनी CBR रेड ब्यूटी खड़ी हुई है। बाइक्स का लाइनअप कुछ ऐसे है, रोड छोड़ के भाई पास होने के लिए दूसरी साइड वालों को। बाकी लोकेशन देखो, लोकेशन भाई सुपर सुपर लोकेशन है यार। और व्यू देखो यहाँ पे, मैं आपको रिवर साइड का व्यू दिखा देता हूँ भाई, कुछ मतलब पीस है, पीस एकदम। सो भाई फाइनली अब यहाँ से हम
कोटाबाग से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा था, यही अपना मीटिंग पॉइंट था सारा। फाइनल जो स्पॉट था हमारा वो यही था। लोकेशन आप चेकआउट कर लो भाई, बहुत बेहतरीन है। बस ये है कि गर्मी हो रही है, ठंड के टाइम पे तो भाई सेक्सी हो जाएगा यहाँ का माहौल सारा। बाकी आप देख सकते हो बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं यार यहाँ पे, और रिवर भी यहीं पे जा रही है बिल्कुल नीचे से। अभी ब्रिज से ही लेके जाएंगे, ब्रिज में हमने देख लिया था, सिनेमैटिक हमने ले लिए थे। बाकी बाइक सब रेडी कर रहे हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं। बाकी फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको आरी और एक आप भैया की हार्ले 1800 cc भाई, ये बाइक तो भाई कुछ है। बाकी CBR अपनी खड़ी है, ट्राइम ब्यूटी यार इधर खड़ी हुई है, ड्यूक खड़ी है, हंटर आ रखी है। बस हम निकलते हैं अपना और मिलते हैं आपको थोड़ा सा नीचे जाके मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। अच्छी खासी है बहुत है अभी से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, अब रामनगर साइड जा रहे हैं। और अपनी बाइक में आप सुन ही सकते हैं आवाज़ थोड़ी कम हो गई होगी, डीबी के लगा चुके हैं क्योंकि यार अब यार एक्चुअली क्या है ना, अब लोग रोड पे हैं, अब लोगों को कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो साउंड से, इसलिए डीबी कलर अपना इंस्टॉल्ड कर दिया है दोबारा बाइक में। अब निकल रहे हैं यार घर की ओर जा रहे हैं वापस।